गुरु जी मेरा मार्गदर्शन करें कि जो दुर्गा सप्तशती पाठ में सिद्ध संपुट मंत्र हैं जो जो मोक्ष के लिए किए जाते हैं वो कितनी बार करने होते हैं। जब तक मोक्ष न प्राप्त हो जाए तब तक करते ही रहो। मोक्ष है सभी तरह के मोहों का क्षय। जब तक किसी प्रकार के मोह में आप पड़े हैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा बैंक, मेरी दफ्तर, मेरी खेती, मेरी बाड़ी, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, तब तक मोक्ष थोड़ा दो कदम की दूरी पर रहता है। सम्यक दृष्टि से अपने जीवन आत्मा को समझना, हम इस आत्मस्वरूप देहधारी होकर के जगत में क्यों आए हैं, उसके अभिप्राय को समझना, उसकी सार्थकता, उसके अर्थ के आर पार देख लेना और फिर वैसे ही आचरण को अपने जीवन पद्धति का हिस्सा बना लेना, बावजूद इसके कि दुनिया, समाज, सगे संबंधी, ये वो सब कोई क्या कहता है, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसकी परवाह किए बिना। ये थोड़ा हिम्मत का काम है। परमात्मा को चुनना आसान, अरे इंसान को चुनने के लिए कितनी हिम्मत करनी पड़ती है। कोई आपको पसंद आ जाए उसको पाने में कितना पापड़ बेलने पड़ते हैं। और यहाँ तो आपने उसको पसंद किया है जो सारे जगत का नियंता है, इस पूरी सृष्टि का स्वामी है, तो उसको आप पाने चले हैं तो क्या सोचते हैं कि ऐसे आसानी से बात बन जाएगी। तो थोड़ा सा उसमें मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो फिर बहुत आसान भी हो जाती हैं। और सच बात ये भी कि दूसरा पक्ष इसका ये है कि दुनियावी चीज़ों को, जिन बहुत सूक्ष्म चीज़ों को पाने के लिए हम दिन रात एक किए रहते हैं, परमात्मिक अवलंबन के साथ एकाग्र होने हो जाने से, एक साथ हो जाने से, ईश्वर से संबंधित पूजा पाठों में पूरी तन्मयता के साथ जुड़ जाने से, वो सारे प्रयोजन जिनको आप बहुत दुर्लभ और दुष्कर समझ रहे थे, वो उनको उनकी प्राप्ति होने पर आप खुद अपने आप पर मुस्कुराते हैं। क्या ये चीज़ें इतनी सहज थी, क्या ये बातें इतनी आसान थी। और कई बार तो आपको यही लगने लगता है, जब आप और गहरे वर्तुल में नीचे उतरते हैं तो आपको अपनी इच्छाएं करते हुए डर लगने लगता है कि ये भी पूरी हो गई तो उसके बाद में मैं क्या करूँगा, और क्या उसका मैं उपयोग कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कितना उसका इस्तेमाल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंग, इसके साथ के कुछ आयाम हैं अलग अलग ढंग से। जितना जब हम इनको समझते हैं तो फिर जीवन के प्रति दृष्टि का विकास होता है और जीवन में हमारे संतुलन और एक समन्वयता का भी विकास होता है। जी मेरा मतलब नवरात्र में काउंटिंग से था कि नवरात्रों में एक मंत्र की कितनी काउंटिंग करनी है। अब देखो इसमें बड़ा एक टेक्निकल इशू है मुनेश। मैं कहूँ कि 10,000 प्रतिदिन या 1,000 प्रतिदिन, अब बंद गए, अब गुरु जी ने कहा है तो करना है, कर आप पाओगे नहीं। जितना आसानी से, जितना इच्छा से, जितना प्रेम से कर लो उतना कर लेना, जितना भी कर लो। अब मेरे कहने, या तो देखिए, अब मुझसे बहुत सारे लोग बहुत सारे मुहूर्त के बारे में बात करते हैं, इस चीज़ का मुहूर्त बता दीजिए, फिर मैं उन्हें मुहूर्त बताता हूँ, तुरंत उनका जवाब आता है कि उस तारीख में तो हम यहाँ हैं ही नहीं, या वो तो हो नहीं, तो फिर आप पूछ क्या रहे थे मतलब। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 10,000 मंत्र प्रतिदिन करने हैं, तो अब आप फंस गए, एक अजीब धन संकट आपके सम्मुख खड़ा हो गया कि गुरु जी ने कह भी दिया करें तो मुश्किल, और कहो पा नहीं रहा है, और ना करें तो एक अपराध बहुत अपने मन में। तो मैं अवमुक्त प्रार्थनाओं को की प्रतिष्ठा में विश्वास रखता हूँ। जितना ईश्वर तुम हमसे करा सको, हमारा मन ठीक रहे, हमारा तन ठीक रहे, हमारी सब व्यवस्थाएं हमारे अनुकूल हो जाएं, उस अनुकूलता के वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए मैं जितना आसानी से प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और बहुत शांति पूर्वक तुम्हारा नाम ले सकूं, उतना मुझसे करा लेना, वो सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें कोई रिग्रेट नहीं आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार बोलो कि 100 बार बोलो, अब ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के ऊपर ही आपने थोप दी। लेकिन अब आप कहेंगे इतनी बार करूँगा, फिर मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद लोग फिर कहीं और जा रहे होते हैं तो मुश्किल हो जाती है, फिर उठ के जाना पड़ता लोटा लेकर के। तो कभी कभी ध्यान रखना चाहिए, कई बार इतनी बड़ी ऊर्जाएं कैसे संभालेंगे उनको। भया भय जय रे।